तो आज से कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था जहाँ पे आप लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन करना था स्टेप बाय स्टेप बताया था और खुद का एक करियर भी दिखाया था। उसके बाद इसमें आपको प्रॉब्लम आया थोड़ा सा कि पेंडिंग रिव्यू ग्राम पंचायत आ रहा, तो फिर हमने इस वीडियो को बनाया जहाँ पे आप लोगों को दिखाया और लाइव दिखाया कि कैसे पीएम विश्वकर्मा में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में फॉर्म को अप्रूव किया जाता है। फिर भी आप लोगों ने कमेंट किया, जो सीएससीवेली है जो भी लोग है उन्होंने कमेंट किया कि अब हमें यही वाला आईडिया और पासवर्ड चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप पीएम विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना आईडी और पासवर्ड को बना सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो भी लोग अप्लाई करेंगे तो उनका फॉर्म आप किस तरीके से अप्रूव कर सकते हो ग्राम पंचायत के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, फिर यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन देखने के लिए मिल होगा साइट कॉर्नर में लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा pmvishwakarma.gov.in पे, जैसे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल होगा साइट में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, नीचे से दो नंबर पे एक ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल होगा इन लिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से लोग इस आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस आईडी को लेने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और इस आईडी का जो भी कंप्लीट जानकारी वो आगे जो कस्टमर केयर से बात किया गया है तो उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हम इस वीडियो में लगाए हुए हैं। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप ग्राम प्रधान वाला आईडी ले सकते हैं। तो ग्राम प्रधान वाला आईडी कौन लोग ले सकता है? ग्राम प्रधान वाला आईडी सिर्फ मुखिया जी ले सकते हैं या फिर सरपंच जी ले सकता है और कोई भी इस आईडी को नहीं ले सकता है, जो कि आगे कॉल रिकॉर्डिंग में कस्टमर केयर ने इस बारे में मुझे बताया है, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग आगे वीडियो में हमने आपको लगाकर दिखाया है। तो अब बात यह हो गया, लेकिन सवाल आता है कि यहाँ पे सीएससी आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो सीएससी आईडी और पासवर्ड किसका होना चाहिए? सीएससी आईडी क्या मुखिया जी का बनेगा या फिर हम अपना सीएससी आईडी डालेंगे? तो आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो वहां पे भी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाला जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सीएससी आईडी और पासवर्ड आप सीएससी वेली का लगेगा और रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्राम पंचायत के प्रधान आकर कराएंगे आपके पास। सीधी सी बात ये कहे कि जिस तरीके से आपके पास कोई भी पब्लिक आता है और अपना पीएम विश्वकर्मा योजना का जो फॉर्म है आपसे फिल करवाता है, तो सेम उसी तरीके से जैसे पब्लिक आता है जो भी लोग अपना लाभ लेना चाहते हैं वो लोग आके आपसे फॉर्म भरवाते हैं, तो सेम उसी तरीके से जो कि आगे कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुनाया गया है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग में भी बात हुआ है, तो सेम उसी तरीके से आपके पास ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर मुखिया जी आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सेम टू सेम उसी तरीके से जिस तरीके से और सारे लोग अपना लाभ लेते हैं। तो हाँ, हालांकि प्रोसेस अलग है, एक ही प्रोसेस नहीं, प्रोसेस अलग है, लेकिन आएंगे आपके पास वैसे ही जैसे और सारे लोग आते हैं अपना पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा कि ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान और सरपंच आएंगे आपके पास अपना आईडी और पासवर्ड बनवाने के लिए, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली आपको लिस्ट पे क्लिक करनी है। जो भी सीएससी वैली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अपना सीएससी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डाल के साइनिंग पे क्लिक कर देंगे। साइनिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ग्राम प्रधान क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको ब्लॉक को सिलेक्ट करना, फिर बताना है किस पंचायत को सरपंच या मुखिया है वो उसको सिलेक्ट कर लेना। मतलब दो आईडी नहीं बनेगा, एक ही आईडी बनेगा। वो क्या करते हैं आप सिंपल बताते हैं, तो बहुत सारे राज्य में सरपंच होता है, बहुत सारे राज्य में मुखिया होता है और बहुत सारे राज्य में दोनों होता है। तो आईडी जो बनेगा तो मुखिया का बनेगा या सरपंच का, तो ग्राम प्रधान जिसे भी आपके गांव में या आपके राज्य में कहा जाता है तो उसी का आईडी बनेगा। और बात करें मुखिया और सरपंच दोनों एक ही होता है, मतलब दोनों होता है एक ही गांव में, तो उसका बनेगा मुखिया का, तो मुखिया का आईडी और पासवर्ड बनेगा। तो यहाँ क्या करना है कि बताना है किस पंचायत का मुखिया है, देन एग्री करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक जो है वो डालना है, फिर जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मुखिया का या सरपंच का उसका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। याद रहे एक पंचायत में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा उसका डालेंगे, फिर यहाँ पे एग्री करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पे ओटीपी गया है, उसका ओटीपी यहाँ डालेंगे, देन इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर
एग्री करके वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो मुखिया का जो है बायोमेट्रिक ले लेंगे। बायोमेट्रिक लेने के बाद फिर यहाँ पर आपका यूजर नेम बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पर फर्स्ट पासवर्ड डालना है जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, फिर उसी पासवर्ड को नीचे एंटर करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको ग्राम प्रधान पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो यूजर नेम मिला है वो यूजर नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चर कोड को डाल के साइनिंग वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। साइनिंग करने के बाद आपके सामने फिर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि आपने जो भी आईडी और पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड सक्सेसफुली बन गया है और आईडी जो है वो अप्रूव हो चुका है। अब अगर आपको आईडी और पासवर्ड मिल गया है और आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं तो अब जानना है कि किस तरीके से आप किसी का भी फॉर्म अप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा 3 दिन पहले वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें बताया गया पीएम विश्वकर्मा ग्राम पंचायत अप्रूव कैसे करें, एकदम कम्प्लीट प्रोसेस बताया गया। तो इस वीडियो में बताया गया वो आईडी आप कैसे ले सकते हैं, वो आईडी सिर्फ और सिर्फ मुखिया जी ले सकते हैं और सरपंच, एक पंचायत में एक ही आईडी मिलेगा और एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, कोई अदर आदमी चाहेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप चलिए कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। सबसे पहले भी बात हुआ था, ठीक है, इसे बना भी चुके थे, आपने ही बताया था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अब ये जानना चाहते हैं कि पीएम विश्वकर्मा का ग्राम प्रधान वाला आईडी किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखिए, ग्राम प्रधान वाला जो आईडी है वो आईडी उनको बनाना होता है। पीएम विश्वकर्मा पोर्टल अगर आपके पास खुला है तो उसमें देखिए लॉगिन बोल के लिखा है। जी जी, वहाँ पे इन लिस्ट है और वहाँ पे आईडी तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन किन लोगों को ये आईडी मिलेगा और कैसे मिलेगा थोड़ा बता देते सर। देखिए, ये ग्राम प्रधान को ही मिलेगा। ग्राम प्रधान जी जो होते हैं उनका आधार जो मुखिया होता है, जो मुखिया होता है, मुखिया, सरपंच, हाँ, फिर आपका जो प्रधान, तो किसी किसी जगह में कहीं पे प्रधान बोला जाता है, कहीं पे मानिए सरपंच बोला जाता है। उन्नीस में कोई एक जो है वो आवेदन करेंगे आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लेके, सीएससी ना होगा, जन सेवा केंद्र, ये खुद से नहीं बना पाएगा, जन सेवा केंद्र से ही बनाना होगा उनको। तो उनको सीएससी आईडी से कोई मतलब, उनके पास सीएससी आईडी होना चाहिए या नहीं थोड़ा ये बता देते हैं। सीएससी आईडी उनके पास होना चाहिए। जैसे मानिए जो लोग पीएम विश्वकर्मा में आवेदन करने के लिए जनसेवा केंद्र जा रहे हैं वैसे सरपंच को भी आना होगा, ठीक है, या तो प्रधान जी को भी आना होगा उनके पास। जी जी जी, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड लॉगिन करके सीएससी वाले ग्राम प्रधान करके जो तो डिटेल्स मांगा जाएगा, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा उसमें। तो सर ये थोड़ा सा ये पूछना चाहते थे कि मतलब ग्राम प्रधान या मुखिया के पास सीएससी आईडी होना चाहिए, जरूरी तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ठीक है, सीएससी आईडी नहीं होना चाहिए जी। किसी भी सीएससी वैली से जाके आप मतलब अप्लाई करवा सकता है आईडी के लिए। अगर कोई सीएससी वैली चाहे कि हम खुद का ग्राम प्रधान वाला आईडी बना ले तो उसके लिए क्या है? नहीं होगा ना। देखिए, मानिए कि जैसे मानिए आप ग्राम प्रधान है, ठीक है जी, और सीएससी वाला वो क्या किया, अपना ग्राम प्रधान आईडी पासवर्ड बना लिया, तो एमओपीआर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, जो हर जिला में एक एमओपीआर होता है। जितना सारा पंचायत है, गांव है, सब पंचायत का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उनका डिटेल्स वगैरह एमओपीआर के पास रहता है। आप जब आप मानिए इनलिस्ट, आप अपना जो प्रधान जी है वो अपना इनलिस्ट किया, ठीक है, आप एमओपीआर के पास रिक्वेस्ट भेजा है, आवेदन मतलब रिक्वेस्ट जाएगा, आप और चेक करेंगे एमओपीआर, देखेंगे कि सीएससी का नाम जो आवेदन किया उनका नाम आ गया और जो प्रधान है उनका नाम नहीं है, दोनों मिसमैच हो जाएगा, दोनों नाम मिल नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे वो अंडर वेरिफिकेशन में प्रोसेस को रख देंगे, आप वो कैंसिल नहीं करेंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा मगर वो ऑथोरिटी आपको नहीं मिलेगा किसी का वेरिफिकेशन कर पाए आप, वो चला जाएगा अंडर वेरिफिकेशन में, ठीक है। अगर फिर मान लीजिए किसी से गलती से अप्लाई हो गया, जैसे कि मैं एकदम मुझसे गलती से अप्लाई हो गया वीडियो बनाने के चक्कर में, तो अब उसका क्या है? मेरे पास कॉल आया था एमओपीआर के से और पूछा गया था कि आप मुखिया है या नहीं, तो हमने बोला था मुखिया तो नहीं है लेकिन हमने वीडियो बनाने के चक्कर में जो है तो आईडी को अप्लाई कर दिया था, तो इसलिए हाँ। अभी क्या होगा, इसमें मानिए आप कर दिए हैं तो हम लोग जो तुरंत बोलते हैं शिकायत करते हैं कि आप जाइए अपना मुखिया सरपंच जी के पास और उनको बोलना होता है जो मैं कर दिया हूँ, नहीं तो क्या होगा आपका जो मुखिया जी है वो तो आवेदन करेंगे आईडी पासवर्ड के लिए आज या तो कल, कभी कभी ना कभी करेंगे। नहीं, नहीं। अब जब करने जाएंगे तो लिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा, ऐसा होता है, मान लीजिए कि नहीं आया तो फिर क्या? नहीं आया मतलब मेरा जो आया तो अप्लाई नहीं हुआ, अभी जो डाले तो
इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बता रहा है। हाँ, आप इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बताएगा अभी, ठीक है? नहीं, अभी मैंने क्योंकि पहले बता रहा था प्लीज कॉन्टेक्ट MOPR जो बताया आपने वो, और अभी जब दो कॉल आने के दो दिन बाद जब उनसे जब बोल दिया थे कि नहीं है मुखिया, तो कॉल आने के दो दिन के बाद अभी बता रहा है इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, मतलब गलत यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं आप। पासवर्ड है अभी, अभी गलत यूजर, अभी आपको डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है? आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड आप जो प्रधान जी है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर प्रधान जी कॉल किया है कभी हम लोगों से संपर्क किए हैं, आप प्रधान जी का तो मैं डिटेल्स वगैरह नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को इधर दिखाएगा नहीं, ठीक है? अगर उनको एक हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट ईमेल होता है, सपोर्ट ईमेल, ठीक है? उस ईमेल से हम लोग जो पीएम विश्वकर्मा का जो टेक्निकल टीम होते हैं उनको ईमेल करना होता है support.pmb@winjit.com। क्योंकि आपका तो मतलब अगर मतलब मेरा नाम अगर निकल जाता है, हाँ मैंने किया, हाँ, है, ठीक है, तो वो मुझ पे कोई एक्शन वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसा कि कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया, सारी बातें हो गई, आई होप कि उन्हें पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।